हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नोकिया G11 प्लस एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप जो है मोनो ऑडियो सेटिंग को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, और ये मोनो ऑडियो सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे की साइड में आना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये एक्सेसिबिलिटी का। एक्सेसिबिलिटी पे आपको इसे सिलेक्ट करना है। अब आपको एक्सेसिबिलिटी के इस पेज में आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये मोनो ऑडियो का। मोनो ऑडियो इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दिखाई देता है। इस बटन को आपको सिलेक्ट करना है तो आपका ये बटन ब्लू कलर में ऑन हो जाता है, यानी कि आपकी ये सेटिंग इस तरीके से इनेबल हो जाती है, ठीक है। अब ये सेटिंग जो है ना इनेबल होने के बाद ये सेटिंग काम कैसे करती है ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना ऑडियो बैलेंस, ये जो ऑडियो बैलेंस होता है ये मोनो ऑडियो का पार्ट है, इसी का हिस्सा है, ठीक है। और ये ऑडियो बैलेंस के नीचे देखिए लेफ्ट और राइट लिखा हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर ये देखिए मेरे पास ना ईयरफोन्स हैं, ठीक है। ईयरफोन्स पे आप देखिए यहाँ पे एल और आर लिखा हुआ है। ये ईयरफोन्स का ना लेफ्ट और राइट होता है, ठीक है। ये जो एल और आर लिखा हुआ है ना ये ईयरफोन का लेफ्ट और राइट होता है। तो यहाँ पर मैं आपको ईयरफोन क्यों दिखा रहा हूँ ये मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास कोई से भी ईयरफोन है, चाहे वो ब्लूटूथ वाले ईयरफोन है, चाहे वो वायर वाले ईयरफोन है, ये सभी ईयरफोन्स में काम करती है सेटिंग। कैसे? आप अपने ईयरफोन्स को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कीजिए, इसके बाद मोनो ऑडियो सेटिंग को ऑन कीजिए, और यहाँ पर ये जो ऑडियो बैलेंस लिखा हुआ है ना, इस ऑडियो बैलेंस में बीच में जो पॉइंटर दे रखा है, इस पॉइंटर को आपको उंगली से दबाना है और इसे लेफ्ट में करना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो एल वाला ईयरफोन होगा ना, लेफ्ट वाला ईयरफोन होगा, उसमें आपको ऑडियो सुनाई देगा, और जो आर वाला ईयरफोन होगा ना, यानी कि राइट वाला, उसमें आपको ऑडियो सुनाई तो देगा तो आपको, लेकिन कम आवाज आएगी, बहुत ही कम, ठीक है। इसी तरीके से अब इस पॉइंटर को अगर आप राइट में करते हैं तो इसका अपोजिट हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया। आपको राइट वाले ईयरफोन में आपको ऑडियो सुनाई देगा और एल वाले ईयरफोन में आपको ऑडियो सुनाई तो देगा लेकिन कम आवाज आएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप इस पॉइंटर को जो है सेंटर में कर देते हैं ना, तो आपको दोनों ईयरफोन्स में आपको ऑडियो बैलेंस बराबर सुनाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, आप ये पॉइंटर को आप जरूरी नहीं कि इसे लेफ्ट और या राइट में रखें, आप इसे जो है ना इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी इतनी दूरी पर डिस्टेंस इसका मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी आप इसे रख सकते हैं, जहाँ पर आपको ऑडियो बैलेंस ठीक लगे वहाँ पर आपको इसे छोड़ देना है रख के, ठीक है। और ये सेटिंग जो है ना कैसे काम करती है मैं आपको बताता हूँ। आप अपने मोबाइल फ़ोन में ना अगर कोई भी ऑडियो सॉन्ग या फिर सॉन्ग या फिर वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी देख रहे हैं ना, या गेमिंग खेल रहे हैं, ठीक है, उसमें भी जो है ना आप जो है ईयरफोन्स अगर हेडफोन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मोनो ऑडियो के जरिए आप अपने ईयरफोन्स की जो है ना ऑडियो को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेटिंग ना इस तरीके से काम करती है आपके मोबाइल फ़ोन में, ठीक है।